Assalamu alaikum. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Session 2019-20. Book hai Income Tax Become Part 2. Definition ko topic hai Depreciable Assets ko hum discuss karne lage. Agar aap channel pe naye hain to subscribe kare. Saath diye gaye bell icon pe click karke notification ko lazmi on kar de. Ye channel ICOM aur BCOM ke tamam students ke liye बहुत कारामद है. इसके ऊपर तमाम किताबों के लेक्चर डिस्कस किए जा रहे हैं. कुछ हो चुके हैं, बाकी इंशाल्लाह ताला जारी है. आपके आसपास मोहल्ले में, क्लासमेट, रिश्तेदारों में, दोस्तों में कोई आईकॉम और बीकॉम का स्टूडेंट है तो प्लीज़ उसे ये चैनल रेफर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके. चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. डेप्रिसिएबल एसेट्स इन जनरल सेंस, आम सेंस में डेप्रिसिएबल एसेट का मतलब होता है एक एसेट विच लूजेज इट्स वैल्यू, जो अपनी वैल्यू को कम करता है, लूज करता है, खोता है बिकॉज ऑफ यूज़ और वियर एंड टीयर, इस्तेमाल की वजह से. या वियर एंड टीयर होता है कट फट जाना, टूट फूट जाना. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 17 एंड 22 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 स्टेट्स डेप्रिसिएबल एसेट का मतलब है एनी टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी. टेंजिबल वो होती है जो नज़र आए, जिसको छुआ जा सके, और जिसको छुआ ना जा सके वो इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं. टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी वो हमारा डेप्रिसिएबल एसेट्स है. इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन अनइम्प्रूव लैंड, वो लैंड जिसको अभी हमने इम्प्रूव नहीं किया, अनइम्प्रूव लैंड है वो. उसके अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आएगी. स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी मूव नहीं हो सकती, जैसे ज़मीन है, बिल्डिंग है, इसके ऊपर जो हम स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट करते हैं, तामीरात करते हैं, ऑन बाय अ पर्सन, एक बंदे की मलकियत प्रॉपर्टी के ऊपर जो तामीरात या इम्प्रूवमेंट होती है वो भी डेप्रिसिएबल एसेट. लाइक नंबर 1, नॉर्मल यूज़फुल लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो, उसकी नॉर्मल यूज़फुल लाइफ जो है 1 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए. नंबर 2, इज़ लाइकली टू लूज़ वैल्यू, वो अपनी वैल्यू को खोए, उसको इस्तेमाल या कटपट जाने के नतीजे में. नंबर 3, वो इस्तेमाल हो सारी की सारी या आदि टैक्सेबल इनकम को कमाने में. वो प्रॉपर्टी जो टैक्सेबल इनकम को कमाने में इस्तेमाल हो वो आएगी इसमें. मिसाल के तौर पे प्लांट, शिप, एयरक्राफ्ट, व्हीकल, बिल्डिंग, मशीन्स, फर्नीचर एंड फिटिंग. एक्सप्लेनेशन, स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट का मतलब है एनी बिल्डिंग, रोड, कार पार्किंग, ब्रिज, एयरपोर्ट्स, फैंसीज एंड रेलवे लाइन वगैरह. ठीक है जी, ये थी हमारी डेफिनेशन डेप्रिसिएबल एसेट्स की. लाइक के बटन पे क्लिक कर दे ज़रा जल्दी से, और अगर समझ ना आई हो या कुछ बेहतर चाहते हो या कुछ और चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए. अल्लाह हाफिज़.